नमस्कार, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ अच्छे और बुरे 21 योगों के बारे में बताऊंगा जो आपकी जन्म कुंडली में हो तो बहुत ही असर डालते हैं। सिंपल साधारण से योग हैं जो समझने में भी काफ़ी आसान होंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए इन योगों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला योग है, अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी गुरु और चंद्रमा एक साथ हों या आमने सामने हों, जैसे उदाहरण से ही मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए गुरु किसी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, अब चंद्रमा ये तो इसी गुरु के साथ में हो या इसी गुरु के सम्मुख हो, यानी ठीक गुरु से सातवें भाव में हो, यानी इसको गजकेसरी योग बोलते हैं। गजकेसरी योग अन्य प्रकार से भी बनता है, लेकिन अगर इस दो कॉम्बिनेशन से गजकेसरी योग बन रहा है, गुरु चंद्रमा साथ में हैं और या फिर आमने सामने हैं, विशेष रूप से कुंडली के छठे, आठवें और बारहवें भाव को छोड़ के हों, किसी अन्य भाव में हो, 6, 8, 12 को छोड़ के किसी भी भाव में यह कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी। व्यक्ति अगर झोपड़ी में पैदा हुआ है तो भी वह बिल्डिंग खड़ा कर ले जाएगा, अच्छा जीवन अपना बना लेगा, भले ही वह निम्न परिवार में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, आर्थिक समस्याएँ उसके जीवन में नहीं आएंगी, फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लाइफ में रहने वाला है। यह पहला योग आप अपनी कुंडली में जरूर देखिए और इसका आकलन करिए। दूसरा योग बनता है कि मैंने सारे 21 योग लिखे हुए हैं आपके लिए छाट करके, मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। दूसरा योग है, बहुत ही अच्छा योग है, अगर किसी की भी कुंडली में दसम भाव में, 10th हाउस में कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह हो और वह उच्च का हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में तरक्की के मतलब बढ़िया तरक्की के, बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए जीवन में कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर यहीं पर सूर्य उच्च का होगा तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा नेतृत्व करने का अवसर पाएगा, व्यक्ति बहुत बड़े पद पर जाएगा, सरकारी हो या प्राइवेट हो, डायरेक्टरशिप उसके अंदर आ जाती है। चंद्रमा उच्च का हो, मंगल उच्च का हो, बुध हो, गुरु, शुक्र, शनि में से कोई भी ग्रह दशम में उच्च का होकर के बैठा हुआ है तो जीवन कई बार आपके लिए अवसरों का जो है संसार लेकर के आएगा, बहुत बार जीवन में अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और आपके जीवन में अचानक से तरक्की के योग बनेंगे। 2 से 4 महीने में ही आप कुछ ऐसे योग बन जाएंगे कि आपका जीवन पलट जाएगा, जीवन यूटर्न ले लेगा, अच्छा लक्ष्य और अच्छी दिशा जीवन को मिल जाएगी। तीसरा सूत्र बनता है हमारा, कुंडली में अष्टम भाव में राहु का सबसे अधिक बुरा प्रभाव होगा। अगर किसी भी कुंडली में अष्टम भाव में राहु होगा तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से बेचैन रहेगा। गंभीर समस्या ना भी हो तो भी छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं उसे परेशान करती रहेंगी। व्यक्ति को थकान, फंगस की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, पेट गैस की प्रॉब्लम, छोटी छोटी समस्याएं उस व्यक्ति को पीड़ित करके रखेंगी। शरीर देखने में अच्छा मजबूत रहेगा लेकिन भीतर से कुछ सुस्ती सा, खोखलापन सा, आलस्य सा बना रह सकता है। अष्टम भाव का राहु हमेशा स्वास्थ्य को बहुत ही पीड़ित करेगा, आजीवन करेगा। अगर वह अच्छी स्थिति में होगा, अच्छा नक्षत्र पा जाए, जिसकी राशि में हो, देख रहा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो किंचित कम बुरा प्रभाव देगा, लेकिन देगा बुरा ही। वहीं अगर वह बुरे प्रभाव में होगा तो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को भी क्रिएट कर सकता है। अगर
किसी भी कुंडली में शनि एक नंबर की गिनती पर हो, यानी मेष राशि पर हो, किसी भी भाव में हो, शनि एक नंबर की गिनती पर हो, मेष राशि पर शनि बैठा हुआ हो, कोई भी भाव हो, तो ऐसे जातक को माइग्रेन की समस्या और आंखों पे चश्मा लगने की समस्या आती ही आती है। अगर यही शनि मेष राशि पे छठे भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में होगा तो यह समस्या और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर शनि मेष राशि पर हो और सूर्य भी कुंडली में छठे भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में होता है तो सिर और आँखों की गंभीर समस्याएँ कम उम्र से ही प्रारंभ हो सकती हैं। यानी शनि का मेष राशि पर होना आपके सिर आँखों के लिए बुरा है, आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप शनि ग्रह के उपाय कर सकते हैं। अगला सूत्र होता है किसी भी कुंडली में बारहवें भाव में शुक्र हो, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कुंडली में बारहवें भाव में शुक्र होगा तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही एक भोगी जीवन जिएगा। व्यक्ति भले ही दूसरों के पैसे से सुख पाए लेकिन जीवन में सुख पाता है। शुक्र बारहवें भाव में होता है तो लग्न से शरीर से बारहवें पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति को भोग का योग मिलता है। शुक्र बारहवें होने से व्यक्ति के, पुरुष की कुंडली में व्यक्ति के चरित्र पर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ संशय की स्थिति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्त्रियां आती रहती हैं। बारहवें का शुक्र हो नीच राशि का होगा, अगर छः नंबर की गिनती का होगा तो जीवन में एक बार ऐसा अवसर ला देगा कि आपके जीवन को वैभवशाली बना करके फिर बाद में सारा वैभव छीन भी लेगा। वैभव मिलेगा, बड़ा मकान बना लेंगे, गाड़ी कर लेंगे, लेकिन फिर ऐसा समय आएगा कि वो सब कुछ छीन भी लेगा। यानी बारहवें का शुक्र भोग तो देता है, लेकिन अगर बारहवें का शुक्र पीड़ित होगा, नीच का होगा, शत्रु राशि का होगा, अस्त होगा, तो भोग दे करके धीरे धीरे छीन भी लेगा। वहीं अगर वह स्वराशि का होगा, उच्च का होगा, मित्र के घर में होगा, तो जो भोग जीवन में आएंगे, जो सुख साधन आएंगे, वो जीवन में टिके भी रहेंगे, इस बात का भी संकेत मिलता है। बारहवें का शुक्र आंखों में भी समस्याएं उत्पन्न करने का काम करता है, क्योंकि शुक्र एक अंधा ग्रह है और बारहवां भाव हमारे आंखों का होता है। अगला सूत्र आप समझ लीजिए, लग्न चतुर्थ का बलवान शनि दिल में शूल उत्पन्न करता है। यानी अगर लग्न में शनि बैठा हो और चतुर्थ भाव में बैठा हो और बलवान हो या नीच का हो, यानी सात नंबर की गिनती पर या एक नंबर की गिनती पर शनि लग्न में हो या फिर चतुर्थ भाव में शनि एक नंबर या सात नंबर की गिनती पर होगा, तो दिल में कोई ऐसा दर्द दे देगा जो जीवन भर पीड़ा आपको देगा। वहीं अगर एक या सात नंबर की गिनती पर ना ही हो, किसी दूसरी राशि पर भी हो, तो भी दिल में कोई ना कोई शूल चुभाता रहेगा। उतना ज़्यादा तकलीफ तो नहीं देगा, लेकिन अगर उच्च का है या नीच का है तो कोई ऐसा शूल दिल में चुभो देगा जिसका दर्द आजीवन चलता रहे। ये शनि की विशेषता इसलिए होती है क्योंकि इन राशियों में, इन भावों में शनि कंटक दोष बना देता है। अगला सूत्र आता है कि अगर किसी की भी कुंडली में बारहवें भाव में चंद्रमा हो, बारहवां भाव अगर है, चंद्रमा उसमें है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई अच्छा अवसर आएगा बारहवें भाव में चंद्रमा के होने से, हर एक अच्छे अवसर के बाद, सुखदाई अवसर के बाद दुखदाई अवसर भी आता है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिन चीज़ों से व्यक्ति को सुख मिलता है, खुशियाँ मिलेंगी, फिर उन्हीं चीज़ों के कारण से कहीं कोई ना कोई दिक्कत भी आ सकती है। यानी सुख ऐसे व्यक्ति के जीवन में कम टिकता है। वहीं अगर चंद्रमा अधिक पीड़ित होगा, शत्रु राशि में होगा, नीच राशि में होगा और कृष्ण पक्ष का होगा, तो व्यक्ति की मानसिक वेदनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बारहवें का शुक्र कुल मिलाकर के एक सामान्य प्रभाव यह देगा ही देगा कि व्यक्ति के जीवन में खुशियां ज़्यादा दिन तक टिकेंगी नहीं, समय समय पे कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट उसके लाइफ में होता रहेगा।
अगला सूत्र हम आपको बताते हैं, अगर किसी भी कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो, सूर्य नीच राशि में कब होता है, जब सूर्य 7 नंबर की गिनती पर हो, अगर किसी कुंडली में सूर्य 7 नंबर की गिनती पर हो तो ऐसा, अगर सूर्य अकेला है तो प्रभाव और अधिक मिलेगा। एक चीज जान के रखिए, किसी भी ग्रह के साथ जब कोई दूसरा ग्रह आता है तो संगति का असर पड़ता ही पड़ता है, तो अगर वह ग्रह बुरा है तो उसकी बुराई में कमी आ जाती है, लेकिन जब कोई बुरा ग्रह नीच का है, शत्रु राशि का है, अकेला होगा तो वह ज़्यादा बुरा देगा। तो यहाँ पे अगर अकेला सूर्य नीच राशि में कहीं भी बैठा है किसी की कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व विश्वसनीय नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी घटना चीज के पहले नकारात्मक पहलुओं को सोचेगा, बाद में सकारात्मक पहलुओं को सोचेगा। तो ये चीज़ सूर्य के नीच होने से बनती है। साथ ही साथ मैं सभी ग्रहों के नीच राशि का एक सटीक फलादेश बता देता हूँ। अगर कुंडली के किसी भी भाव में ये जो नीच वाला मैं आपको अभी विधि बता रहा हूँ, अगर यह 6, 8, 12 भाव में होगा तो फल कुछ ज़्यादा ही विपरीत मिलेगा, जबकि अन्य भावों में फल उतना अधिक विपरीत नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। जैसे सूर्य अगर 6, 8, 12 में नीच का होगा तो व्यक्ति बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। आप उस पर कितना भी भरोसा करके 50,000 दे दिए, रखिए अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी दीजिएगा, वह आपका मित्र है, वह भी आपके साथ धोखा कर जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो विश्वसनीय नहीं है। व्यक्ति कब कहाँ किस समाज में कैसा बोल देगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वहीं अगर 6, 8, 12 में नहीं होगा तो यह दोष होगा, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में 8 नंबर की गिनती पर हो, यानी नीच राशि में हो, कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर कहीं भी होगा, तो ऐसे व्यक्ति को तनाव की समस्या बनेगी ही बनेगी। विशेष रूप से अगर यह चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष का अगर चंद्रमा है, बलवान है, तब वह भले ही नीच राशि में है, वह इतना बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष का है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक समस्याएं बहुत अधिक रहेंगी। और आप एक चीज आजमा लीजिए, किसी बालक जब बाल्यावस्था होती है, अगर किसी का चंद्रमा नीच का है, तो ऐसे लोग अधिक उम्र तक अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक बिस्तर गीला करने वाली आदत में पाए जाते हैं। यानी यूरिन और पेशाब से जुड़ी हुई समस्याएं बड़े होने पर भी आती हैं, लेकिन बचपन में बिस्तर गीला करने की समस्याएं रहती हैं। मंगल की बात कर लेते हैं, चंद्रमा के बाद मंगल का नंबर आएगा। अगर कुंडली में किसी भी भाव में मंगल नीच राशि में हो, यानी मंगल 4 नंबर की गिनती पर हो, कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो, अगर 6 भाव में, 8 भाव में और 12 भाव में मंगल 4 नंबर पर होगा, तो जीवन में चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटनाएं अवश्य देगा। वहीं अगर 6, 8, 12 के अलावा अन्य भावों में है, तो पीठ, कमर और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत जरूर आएगी। कंधे के पिछले हिस्से में, पीठ में स्लीप डिस्क की कुछ संभावना ऐसे व्यक्ति को बनेगी। 6, 8, 12 में भी बनेगा स्लीप डिस्क, पीठ, कमर, मांसपेशियों में दर्द, लेकिन 6, 8 और 12 होने पर दुर्घटना की भी संभावना या ऑपरेशन की भी संभावना बन जाती है। बात कर लेते हैं बुध की। अगर किसी भी कुंडली में बुध नीच राशि में है, यानी बुध 12 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ हो, किसी भी भाव में हो, विशेष रूप से अगर 6, 8 और 12 में नीच का होगा, तब प्रभाव ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन अगर किसी भी भाव में बुध नीच का होकर के बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाता है। एक आदमी होता है, एक व्यक्ति है, वो बड़े पद पर है या कुछ भी कर रहा है, तो मानसिक दबाव झेल ले जाता है। मानसिक दबाव में भी अपनी बुद्धि का संतुलन बना के रखता है। ऐसा नहीं है थोड़ा सा मस्तिष्क पे काम का बोझ पड़ा, प्रेशर बढ़ा, तो वो अपना विवेक खो दे। लेकिन अगर बुध नीच का होगा, तो प्रेशर पड़ने पर ऐसा व्यक्ति अपना विवेक खो देगा और बहकी बहकी बातें
करने लगेगा प्रेशर पड़ने पर, गुस्सा आने पर। उससे आप आम की बात करेंगे तो वह इमली की बात करने लग जाएगा। ऐसी स्थितियां बुध के नीच होने से होती हैं। क्रोध में ऐसा व्यक्ति हकलाने लगता है। ये हो गया बुध के 12 नंबर की गिनती पर रहने से होता है। गुरु की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी कुंडली में गुरु 10 नंबर की गिनती पर होगा तो गुरु नीच का होगा। कुंडली के किसी भी भाव में गुरु नीच का हो, जो भी मैं बता रहा हूं प्रभाव, वह छठे, आठवें और बारहवें भाव में ज्यादा ही बुरा देगा। लेकिन किसी भी भाव में अगर बृहस्पति नीच का होकर के बैठा हुआ है और यह बृहस्पति कुंडली के छठे, आठवें, बारहवें भाव में हो, तो जीवन में एक बार व्यक्ति घनघोर दरिद्रता का सामना करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति करोड़पति है जिंदगी में, और घोर दरिद्रता का अर्थ क्या होगा, उसके पास ऐसा नहीं है सब कुछ छिन जाएगा। जो व्यक्ति बहुत ऐसो आराम में रह रहा है, कभी वो कार से नीचे नहीं उतर के चला है, उसे मोटरसाइकिल पे चलना पड़ जाए तो यही उसके लिए दरिद्रता है। कोई मोटरसाइकिल वाला है उससे वो छिन जाएगा। तो अगर कुंडली में बृहस्पति नीच का हो और कुंडली के छठे, आठवें या बारहवें भाव में होगा, तो व्यक्ति को जीवन में एक बार दरिद्रता का मुंह यानी आर्थिक समस्याओं का घनघोर कष्ट उसको मिलने वाला होगा। व्यक्ति अगर कर्जा लेगा तो कर्जा चुकाने में उसको बड़ी ही तकलीफ होगी। अगर बृहस्पति 6, 8, 12 के अलावा अन्य भाव में होगा तो इस फल में थोड़ी सी कमी रहेगी। वहीं बृहस्पति भले ही नीच का ही क्यों ना हो, लेकिन वह चंद्रमा के सामने हो, चंद्रमा के साथ होगा, तो यह दोष नहीं लगेगा, बहुत कम मात्रा में लगेगा। यानी संकट का सामना किए बिना भी व्यक्ति आर्थिक समस्याओं का निदान पा लेगा। इसके अलावा 13 नंबर का सूत्र हमारा बनता है शुक्र के बारे में। अगर किसी भी कुंडली में शुक्र नीच राशि में हो, शुक्र नीच राशि में कब होगा, जब किसी भी कुंडली में शुक्र 6 नंबर की गिनती में लिखा हो, किसी भी भाव में हो, लगन में हो, द्वितीय में हो, कहीं भी शुक्र 6 नंबर की गिनती पर होगा, तो ऐसा व्यक्ति किसी से, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अगर किसी का शुक्र नीच का है तो ऐसा व्यक्ति किसी से शारीरिक आकर्षण का ही प्रेम रख सकता है, ना कि हृदय से प्रेम कर पाएगा। चाहे वह अपना ही जीवन साथी क्यों ना हो, शारीरिक आकर्षण का प्रेम ज़्यादा पनपता है, जबकि वहाँ पर एक लगाव, एक आत्मीयता, ममतामयी प्रेम की उत्पत्ति कम हो पाती है। अगर यही शुक्र छठे भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में नीच का होगा, तो व्यक्ति पराई स्त्रियों के पीछे अपना बहुत सारा धन भी बर्बाद करेगा। शुक्र के बाद नंबर आ जाता है शनि का। शनि का मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे पहले मैंने शनि का ही लिया था। अगले सूत्र पे चलते हैं। अगर आपकी नवमांश कुंडली के लगन में, ध्यान से समझिएगा, लग्न कुंडली नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, D9 देखना है, नवमांश कुंडली देखना है। अगर आपके नवमांश कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह हो, लगन में कोई नीच का ग्रह हो, तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी से रॉयल्टी नहीं मिलेगी। आपका जीवन साथी आपके प्रति रॉयल नहीं रहेगा। कभी ना कभी, भले ही विवाह के 10-20 साल बीत जाएं, उसकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हो जाएंगी जो आपके दिल को चीर देगी, आपके दिल को दुखी कर देगी। वहीं अगर लगन में, नवमांस के लगन में नीच का ग्रह हो और लग्नेश जो होता है वह भी नीच राशि में हो, इस भाव का स्वामी भी नीच का हो, तो आपके जीवन साथी का चरित्र अच्छा नहीं रहेगा। वह उसका कहीं कुछ अफेयर, प्रेम प्रसंग, किसी ना किसी कारण से वह आपके जीवन में रुचि नहीं लेगा। इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। दूसरा सूत्र बनता है, अगर नवमांस कुंडली के लग्न में, नवमांस कुंडली D9 का ही सूत्र है, अगर नवमांस कुंडली के लग्न में कोई क्रूर ग्रह हो, यहाँ पर लगन में ही क्रूर ग्रह हो और चतुर्थ भाव में भी क्रूर ग्रह हो, ये सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यह जानना चाहते हैं
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या आपका जीवन साथी आपसे वास्तविक प्रेम करता है, तो उसके लिए आप अपने D9 कुंडली के लग्न को और चतुर्थ भाव को देखिए। नौमांस कुंडली के लग्न और चतुर्थ भाव में अगर क्रूर ग्रहों, शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो आपका जीवन साथी आपसे एक समझौते के तहत जीवन यापन कर रहा है, ना कि प्रेम के वशीभूत होकर के आपके साथ समय बिता रहा। वहीं अगर शुभ ग्रह का और क्रूर ग्रह का मिला जुला प्रभाव होगा, तो आपको मिला जुला असर भी प्राप्त होने वाला है। अगला सूत्र है, अगर किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव में या पंचम भाव में, द्वितीय भाव में या पंचम भाव में अकेला गुरु बैठा हो, गुरु के साथ में कोई दूसरा प्लैनेट ना हो, गुरु अकेला हो, और जितना ही बलवान होता होगा गुरु, आपके जीवन में पुत्र संतान और धन, इन दोनों का बंधन लग जाएगा। द्वितीय भाव में बलवान गुरु, पंचम भाव में बलवान गुरु, जितना बलवान होता जाएगा और अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो व्यक्ति को पुत्र के सुख में कमी और व्यक्ति के धन के सुख में कमी का योग बनता है। अगर ऐसे बृहस्पति के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा होगा, तो बृहस्पति का यह दुष्प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, संतान का सुख भी मिल जाएगा, धन का सुख भी मिल जाएगा। वहीं अगर किसी ग्रह की दृष्टि होगी तो भी कम अशुभ होगा, लेकिन अकेला बृहस्पति हो, किसी का ना साथ हो ना दृष्टि हो, तो आपका जीवन धन और पुत्र संतान के मामले में बधा हुआ है। अगला सूत्र, कुंडली में आपके कोई भी ग्रह उच्च राशि में हो, अगर कोई भी ग्रह उच्च राशि में है, जैसे मैं मान लेता हूँ लगन में 12 नंबर की गिनती पर शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र उच्च का है। कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च राशि में हो, तो उसके उच्च का प्रभाव पूरा तभी मिलेगा जब जिस राशि में ग्रह उच्च है उसका स्वामी अच्छी स्थिति में हो। जैसे शुक्र यहाँ पर 12 नंबर की गिनती पे उच्च का होता है, 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? गुरु है। अब अगर गुरु इसी कुंडली में नीच का होगा, गुरु नीच का हो, तो ये शुक्र के उच्च होने का पूर्ण प्रभाव आपको नहीं मिलने वाला है। यानी जिस राशि में ग्रह उच्च होता है, उस राशि का स्वामी भी अगर बलवान हो, स्वाग्रही हो, उच्च का हो, मित्र के घर में हो, तो उच्च के ग्रह का फल अधिक मिलेगा। वहीं वह नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, तो उस उच्च के ग्रह का पूर्ण अच्छा फल नहीं मिल पाता है। अगले सूत्र पर चलते हैं, चतुर्थ भाव का, यह सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ भाव और भावेश को लेंगे, आपको अपनी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में देखना है कि कौन सी गिनती है, कौन सी राशि है, उसका स्वामी क्या है। यानी अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का, चतुर्थ भाव के स्वामी का, जिसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश बोलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश का संबंध धन भाव के स्वामी के साथ या लाभ भाव के स्वामी के साथ बना हो, लेकिन छठे, आठवें और बारहवें भाव में ना बना हो, किसी अन्य भाव में बना हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक से धन और प्रॉपर्टी प्राप्त होने का योग होता है। माता और पत्नी आदि के पक्ष से कुछ न कुछ अचानक धन प्राप्ति का योग बन जाता है। चतुर्थेश का संबंध यानी चौथे भाव के स्वामी का संबंध द्वितीय भाव के स्वामी के साथ, लाभ भाव के स्वामी के साथ में से किसी के साथ अच्छा संबंध बने या दोनों के साथ बन जाए तो और भी अच्छा है। ऐसे में अचानक से धन संपत्ति के प्राप्ति का योग बनेगा। अगली स्थिति है, द्वितीय भाव का स्वामी अगर छठे भाव में हो, ध्यान से इस सूत्र को समझेंगे, ज़्यादा लोगों के जीवन में परेशानी कर्ज की रहती है, तो अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी आ जाए छठे भाव में, द्वितीय का स्वामी छठे भाव में हो या छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया होगा, तो आपके जीवन में कर्ज रहने वाला है, कर्ज की समस्या रहेगी। वहीं अगर द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में हो, लेकिन बलवान हो, अच्छी राशि पाया हो, अच्छे ग्रहों के साथ में होगा, तो बड़े कर्ज होंगे आपके ऊपर, लेकिन आप उन कर्ज को निपटा लेंगे। वहीं द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में या छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जा करके अगर वो पीड़ित होगा, तो कर्ज से पीड़ा की प्राप्ति होगी, अन्यथा कर्ज रहेगा, व्यवसाय करेंगे, पैसा कमाएंगे, कर्ज रहेगा, लेकिन वो तकलीफ नहीं देगा। अगला सूत्र बनता है, द्वितीयेश और द्वादशेश
ध्यानपूर्वक इस सूत्र को समझेंगे। अगर आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी की दशा हो और उसमें 12वें भाव के स्वामी की दशा हो, यानी हम दशा में क्या क्या देखते हैं, महादशा और अंतरदशा। तो अगर महादशा द्वितीय भाव के स्वामी की हो और अंतरदशा में द्वादश भाव का स्वामी हो, या इसी का उल्टा कर लीजिए, महादशा द्वादशेश की हो, अंतरदशा द्वितीयेश की हो, परस्पर द्वितीय और द्वादश भावों के स्वामियों की महादशा और अंतरदशा जब पड़ती है तो उस समय में उस जातक को शारीरिक कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। इस सूत्र को आप लोग आजमाइएगा। अगर किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली खराब हो लेकिन नवमांश कुंडली अच्छी हो, लग्न कुंडली में ग्रह बीक पड़े हों और नवमांश कुंडली में ग्रह अच्छे पड़े हों, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद में जीवन में सुख साधन अवश्य ही मिलता है। लग्न बीक है, नवमांश अच्छा है, तो विवाह के बाद में यानी जीवन साथी के भाग्य से व्यक्ति को सफलता जीवन में मिल जाती है। अगला सूत्र हम आपको बताते हैं, अगर ये एक्स्ट्रा सूत्र है, अगर आपके किसी भी वर्ग कुंडली में सप्तमांश से किस चीज का विचार होगा, संतान का, दशमांश से कैरियर का, नवमांश से जीवन साथी का, देशकाल से भाई बहनों के सुख का, किसी भी वर्ग कुंडली में लग्न और लग्नेश को जरूर देखिए। अगर लग्न में नीच का ग्रह हो और लग्नेश नीच का हो, दोनों में से कोई एक लागू हो तो भी समस्या है, और अगर दो के दोनों चीजें लागू हैं तो महासमस्या है। अगर किसी भी वर्ग कुंडली के लग्न और लग्नेश पीड़ित होंगे, नीच होंगे और परम शत्रु के घर में होंगे, तो उस वर्ग कुंडली से जिस चीज का विचार किया जाता है उस चीज का सुख जीवन में आपको नहीं रहेगा। वह चीज तो जीवन में रहेगी लेकिन उस चीज से सुख नहीं रहेगा, या तो वह चीज ही नहीं रहेगी या तो उससे सुख नहीं रहेगा। जैसे सप्तमांश कुंडली के लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा है तो इंडिकेशन है कि आपकी संतान बिगड़ी हुई हो सकती है, डिसोबीडियंट हो सकती है। लग्न में नीच का ग्रह है, लग्नेश भी नीच का है, तो इस बात का भी संकेत बन सकता है कि आपको संतान हो ही ना, हो भी जाएगी तो आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगी। दशमांश कुंडली के लग्न में नीच का ग्रह हो, लग्नेश नीच का हो, लग्न में शत्रु राशि का ग्रह हो, लग्नेश शत्रु राशि में हो, ये दो चीजें लीजिए, नीच और शत्रु राशि वर्ग कुंडलियों के लग्न के लिए, लग्न और लग्नेश दोनों को देखना है। अगर दशमांश कुंडली का लग्न लग्नेश पीड़ित है, नीच या शत्रु राशि में है, लग्न में बैठा हुआ ग्रह नीच या शत्रु राशि में है, तो आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं अवश्य ही आएंगी, समस्याओं का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। एक और सूत्र बता देता हूं मैं, अगर आपकी कुंडली में कोई महाराजयोग नहीं है, यानी ढेर सारे राजयोग नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि आमने सामने पड़ जाएं, सूर्य और शनि आमने सामने पड़ जाएं, तो आपके किए गए कार्यों का श्रेय आपको कम ही मिल पाता है, आपके किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय आपको नहीं मिलता है। ऐसा तब हो सकता है जब कुंडली में राजयोग होंगे तो आपको आपके कार्य का श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर कुंडली साधारण है और सूर्य शनि आमने सामने हैं तो आप कुछ भी कर डालेंगे, श्रेय कोई आपके अच्छे कार्य का और लेगा, और वो आपके कर्मों का भोग करके, अच्छे कर्मों का भोग करके अपना नाम और अपनी सफलता बना लेगा। यानी कि जिनका सूर्य शनि आमने सामने हो, कुंडली में राजयोग ना हो, ऐसे लोग स्वयं सफल तो नहीं हो पाते हैं लेकिन दूसरों की सफलता की सीढ़ी बन जाते हैं। कुंडली में सूर्य शनि आमने सामने हो या सूर्य शनि एक साथ हो तो व्यक्ति के पिता को स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है, कम उम्र में व्यक्ति के पिता का निधन हो सकता है, व्यक्ति का पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा, या व्यक्ति और पिता दोनों से एक दूसरे से बहुत दूरी पर रहेंगे। यानी अगर सूर्य शनि आमने सामने हो, साथ में हो, तो पिता से सुख में कमी आती है, पिता से वैचारिक मतभेद होते हैं या पिता से दूर रहना पड़ेगा,
दूर नहीं रहेंगे, पास में रहेंगे, तो मतभेद को भोगा। तो ये कुछ विशेष सूत्र मैंने आपको बताया, आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए, अनमोल ज्ञान सभी के पास पहुंचे। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो साधारण रूप से फल देते हैं, इसमें भी राशि वगैरह अगर थोड़ा ढंग से विचार किया जाए तो फल की मात्रा कितनी रहेगी, अधिक या कम ज़्यादा कैसी रहेगी, तो उसका भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है।